हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल के डब्ल्यू आर डेट मीन्स नाउ विद थ्री डेज। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मेरे पास अभी यहाँ पे एक कीपैड सैमसंग का फ़ोन है, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहा था। मतलब खासकर वो लोग जो अभी कीपैड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, वो मतलब ब्लैक लिस्ट में किस तरह से नंबर डालना, मतलब डालना चाहते जो लोग ज़्यादा मतलब कभी परेशान कर रहे हैं, या फिर किसी का अगर गलती से ब्लैक लिस्ट में नंबर चला गया हो तो उसको किस तरह से हम रिमूव कर सकें। तो दोनों प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं आने वाला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए एक छोटे से इंट्रो के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, आप लोग देख सकते हैं मेरा फास्ट कीपैड का फोन है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे अनलॉक यहां से कर लेता हूं। तो ये रहा, यहाँ से मैं इसे अनलॉक कर लिया, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद आप लोग को अगर किसी को यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं, तो सब फ़ोन में अलग अलग यहाँ पे रहता है प्रोसेस कीपैड फ़ोन में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉल लॉग में जाना होगा, जैसे कि आप लोग जिससे भी कॉल लगाते हैं। तो उस ऑप्शन पर जाने के बाद आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर सेलेक्ट करना होता है कि आप किस नंबर को यहाँ पर जो है कि ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं। तो चलिए मैं अभी आपको फ़िलहाल के लिए कोई भी नंबर यहाँ पर आप दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी ये वाला नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, सबसे ऊपर वाला यहाँ पे शायद आपको दिख भी रहा होगा या नहीं भी दिख रहा होगा, बट यहाँ पे अभी आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। तो वो नंबर को हम यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में डालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो होगा सबसे ऊपर वाले बटन या ये वाला बटन पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस वाले बटन पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे जो होगा ऑप्शंस आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे है व्यू है, कॉल है, सेंड मैसेज है, और डिलीट है, डिलीट ऑल है। तो आपको सिंपली नीचे आना है, और हर फोन में यहाँ पे जो है अलग अलग यहाँ पे रहता है मतलब लिखा हुआ। तो आपको यहाँ पे नीचे आना है, और नीचे में आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन जो है कि अभी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, वो ऑप्शन यहाँ पे ऐड टू रिजेक्ट कॉल का यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। तो अभी शायद आपको यहाँ पे उल्टा भी दिख रहा होगा, बिकॉज ये फ्रंट कैमरा से यहाँ पे शूट हो रहा है। तो इस वाले ऑप्शन पर चलिए मैं फ़ोन को पहले अनलॉक कर लेता हूँ। यहाँ से अनलॉक हो गया, और उसके बाद ऐड टू रिजेक्ट कॉल पर यहाँ पर आपको जो है सिंपली क्लिक कर देना। तो यहाँ जो होगा एडेड यहाँ पे आप लोग को दिखाई दे ही दिया होगा। अब यहाँ पर से जो ये कॉल है यहाँ पे ब्लैक लिस्ट में इंटर हो गया है। तो अब वो जब भी इस नंबर से फ़ोन आएगा तो मतलब बीजी बता देगा या कुछ भी ब्लैक लिस्ट में ऐड हो गया है। अब वो जिनका आप ब्लैक लिस्ट में ऐड किए हैं वो कभी भी आपको यहाँ पे फ़ोन नहीं कर सकते हैं। और अब सेकेंड बात आती है कि आप किस तरह से जो ब्लैक लिस्ट से किसी को भी रिमूव कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस करना है आपको, जिस भी कॉन्टैक्ट को ब्लैक लिस्ट से रिमूव करना है उस पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं, तो इसी कॉन्टैक्ट को मैं अभी ब्लैक लिस्ट में डाला हूँ, और इसी को मैं अभी रिमूव करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर जो होगा नीचे आना है, और नीचे में आने के बाद आपको और आप किसी को भी रिमूव करना चाहते हैं ब्लैक लिस्ट से, तो आपको सिंपली ऐड टू वहीं पे रिमूव फ्रॉम ब्लैक लिस्ट पे क्लिक कर देना, आपका जो यहाँ पर से रिमूव हो जाएगा। तो आई होप गाइस ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा, अगर काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। आप जान गए होंगे कि किस तरह से किसी को भी ब्लैक लिस्ट में डालना है, और किसी वो भी कीपैड फ़ोन में किस तरह से रिमूव करना है। और आपको जो स्मार्टफोन में तो आता ही होगा कि किस तरह से ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, नहीं आता होगा तो आपको नीचे कमेंट करना है। मैं इसका भी एक जो होगा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे से बोलो एक थम्सअप कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।